इनके प्रोजेक्ट देखें तो बहुत ऐसे आइडियाज़ आए जो लगा कि वाकई में घर में किए जा सकते हैं और समझ में आए इसके साथ साथ इनसे पहले मैं किसी और का भी बुकिंग कर चुकी थी तो मैंने वो अमाउंट भी छोड़ दिया क्योंकि इनका काम इतना ज़्यादा समझ में आ गया कि मैंने फिर सोचा ही नहीं कि किसी और से कराना है गाइज तो फाइनली आज हम हैं गौर सिटी टू के अंदर महागुन माइवुड सोसाइटी के अंदर जिसके साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज है इसका 960 स्क्वायर फीट एरिया तो आज हम इसमें दिखाने जा रहे हैं गाइज आपको इसमें हम क्या क्या वर्क किया है क्या क्या सिविल चेंजेस किए हैं इस घर के अंदर ये हमारी जो आप देख रहे हैं शोरैक के अपर साइड ये पैनलिंग की है वुडन पैनलिंग जिसपे हमने माइका का यूज किया हुआ है और माइका के साथ साथ यूज करने के साथ साथ ये हमने एक आर्टिकल दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर हमने एक स्ट्रिप लाइट डाली हुई है स्ट्रिप लाइट के साथ साथ हमने जो ये पैटर्न दिया हुआ है ग्रास का पैटर्न है और ये हमने हॉरिजॉन्टल स्लैब दिया हुआ है यहाँ पर जो है जो कि कुछ भी अपना आर्टिफिशियल अपना आइटम्स रख सकते हैं हम और इसके साथ साथ हमने जो है दो लाइट नीचे दी हुई है और दो लाइट हमने ऊपर दी हुई है जो कि काफ़ी ब्यूटी लग रहा है ये एंट्रेंस जो है हमारा ये हमने शू रैक के नीचे पूरा ही स्टोरेज दिया हुआ है शू के लिए इसके अंदर हमने सेक्शन दिए हुए हैं तीन तीन जो कि इसके अंदर काफी आ, सारे शू हमारे आ जाते हैं ये पूरा ही हमने इसके अंदर काफी अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है एंट्री एरिया को जो है और साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फोल्डिंग जो है टेबल है जो कि इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और इसको हम जो है खोल भी सकते हैं तो यहाँ पर हम जो है बैठ के अपना शू वगैरह पहन सकते हैं इसके लिए जो है ये पूरा ही हमने शू रैक बनाया हुआ है एंट्री पे जो है ये हमने पूरा सी पैटर्न दिया हुआ है जो कि काफी यूनिक डिजाइन लग रहा है जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है जो चल रहा है फिर हमारा आ जाता है ये पूरा थ्री कैमरा और फिर अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा पूरा ही चारकोल लोवर्स है जो हमने यूज किया गया है और फिर हम आ जाते हैं इस डोर बेल के साथ तो डोर बेल है ये काफी यूनिक डिजाइन में दी गई है डोर बेल जो है अब हमारा आ जाता है ये हमारा स्टील डोर है जो एस का दिया गया है इसके साथ साथ हमने जो ये दी है ये अपनी एच पी दी है डार्क कलर की जो हमने लेमिनेट यूज किया था शो रैक के ऊपर हमने वही कलर का जो है यहाँ पर एच पी जो है लगाई हुई है ये हमारा एस का डोर है इसकी बैक साइड है इसकी बैक साइड में हमने आप देख रहे हैं इसमें पूरा ही हमने जो है ना मॉस्किटो नेट लगाया हुआ है ये जो आप देख रहे हो ताकि कोई भी मॉस्किटो वगैरह अंदर ना आए अब हमारा आ जाता है ये मेन एंट्री डोर जो कि हमारा बिल्डर ने दिया था और इसमें हमने जो वर्क किया है वो दोनों तरफ से लेमिनेट हमने लगाया हुआ है ये हमारा हैंडल लॉक आ जाता है इसमें जो है ब्लैक कलर और गोल्डन कलर का जो है यूज किया गया है ये हमारा आ जाता है लिविंग एरिया और लिविंग एरिया में हमने जो किया हुआ है ये हमारी पैनलिंग की हुई है हमने इस पे और इस पे पैनलिंग के ऊपर चार को लूवर्स का हमने यूज किया गया है यहाँ पर ये हमारा आ जाता है एम बॉक्स जो कि हमने इसको काफी स्मार्टली कवर कर दिया है आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर पूरा हाइड हो चुका है ये हमारा एम बॉक्स है अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हमारा ये नीचे पूरा हॉरिजॉन्टल स्टोरेज हमने दे दिया है ये हमने नॉप्स दी हैं गोल्डन एंड ब्लैक पैटर्न में और ब्लैक ही हमने ये पूरी जो है ना स्ट्रिप्स डाली हुई है ये हमारी टीवी की आउटलाइन आ जाती है आउटलाइन के जो अंदर है इसके ये पूरी हमने डाली हुई। इसके अंदर हैं, सिमिलर इस मिलते हुए हैं। एक कॉम्बिनेशन को हम लेते हुए चले हैं अब इसके ठीक सामने की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आ जाता है मिरर वॉल जो हमने रोज गोल्ड पैटर्न में जिग जैक पैटर्न हमने दिया हुआ है काफी ब्यूटी ये लग रहा है इसकी आउटलाइन भी हमने ब्लैक ही दी हुई है और इसके अपर साइड में हमने पूरा स्टोरेज दिया हुआ है जो कि अपना कुछ भी आप आइटम रख सकते हैं उसके अंदर भी पूरा लाइटिंग दिया हुआ है ये यहाँ पर लिविंग एरिया में थ्री सीटर सोफे हैं रिक्लाइनर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो थ्री सीटर सोफे की थी ये थ्री सीटर सोफे हैं लिविंग एरिया के अंदर अब आ जाता है ये पूरा फॉल सीलिंग लिविंग एरिया का तो हमने लिविंग एरिया में क्या किया साइड में पैनल दिए हुए है जिसमे डाउन लाइट्स है और कोव लाइट्स है सेंटर एरिया में हमने डायमंड कट में ये पूरी सीलिंग दी हुई है दोनों तरफ फैन का प्रोविजन है और बीच में एक सैंडल एरिया ने दिया हुआ है यहां पर जो है अब हमारा ये टीवी पैनल के साथ में जो है पूरा प्रोफाइल डोर है ग्लास का जो कि ब्लैक कलर है और ब्लैक ही इसकी प्रोफाइल है इसके अंदर हमने स्लैब दिए हुए हैं कांच के एक लाइटिंग के साथ ये काफी यूनिक जो लग रहा है अब इसके साथ की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा यहाँ पर एक मंदिर हमने निकाला हुआ है इसमें भी हमने दो छोटे छोटे डोर दी हुई है ब्लैक कलर में जो इसके हैंडल्स है ब्लैक और गोल्डन कलर के है ऐसे ही ये टीवी का पूरा स्टोरेज है मर्ज किया हुआ इसके बैक पैनल में हमने रोज गोल्ड की जो है डिजाइन डाली हुई है और तो ये आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये पूरी मेहराब है ये हमारा बालकनी का एरिया है जो हमारा ड्राइंग रूम से मिला हुआ था अब हम आ चुके हैं बालकनी एरिया में तो यहाँ पर यहां की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हमारा पूरा ही जो है स्लाइडिंग विंडो हुआ करता था इसको हमने पूरे को यहाँ से हटाया है और बालकनी एरिया को ड्राइंग रूम के साथ मर्ज किया है और हमने ये जो आप देख रहे हैं इस पे हमने पूरी ही पैनलिंग की हुई है जो आप देख रहे हैं इस पे हमने पैनलिंग के साथ जो है चारकोल लूवर क्रिएट किए हैं और हमने आप अगर देख पा रहे हैं इधर ये हमने पूरा वर्टिकल वुड के साथ लैप बनाए हुए हैं वुड के और ये जो बनाए हुए हमने ब्लैक कलर के जो है आइका के साथ गोल्डन कलर का जो है लेमिनेट यूज किया गया है अब इसके ठीक सामने की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने बाहर एक आर्टिकल बनाया था और एक यहाँ पर स्लैब दिया हुआ था बाहर की तरफ इसमें पूरी ग्रास दी हुई है लाइटिंग के साथ में यहाँ पर जो बाहर वाला एरिया था आर्टिकल हमने वही यूज किया है यहाँ पर ये यह फ्लोर पे पूरी ग्रास लगा दी ये हमारे सोफा है रिक्लाइनर जो क्लाइंट ने यहाँ रखा उनकी रिक्वायरमेंट थी तो ये सोफा डिटेचेबल है इसको हम मूवेबल है इसको हम आ, घुमा भी सकते हैं कभी जैसे हमें बाहर का व्यू लेना हो ये पूरा हमारी ओपनेबल विंडो है ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ तो इसको हमने क्या करा है ये पूरा ही हमने जो है पैक कर दिया

तो हमने क्या किया है लेफ्ट और राइट में ये हमने क्रॉकरी यूनिट क्रिएट किया हुआ है जस्ट इसके बीच में हमने डाइनिंग दा, फोल्डिंग टेबल क्रिएट की गई है जो कि ये आप देख रहे हैं इसमें हाईग्लोस लेमिनेट का हमने यूज किया है और अब इसके नीचे हमने चार चेयर मर्ज कर दी हैं ये हमारा आ जाता है फॉल सीलिंग का एरिया इसमें साइड पैनल डाउन लाइट और कोव लाइट के साथ हैं बीच में हमने जो क्रिएट किया है ये एक स्मॉल सा सीएनसी पैटर्न है ये हमारा आ जाता है किचन के साथ वुडन पार्टीशन जो हमने इस पे पार्टीशन पे माइका लगाई है वो हाई ग्लोस में है इसमें हमने क्या किया है दो कलर यूज किए हैं इसमें गोल्डन एंड थोड़ा डार्क कलर ये काफी यूनिक निकल के आ रहा है हमारा वुडन पार्टीशन अब हमारा आ जाता है ये ब्रेकफास्ट काउंटर जो हमने ये टॉप पे यूज किया है ये हमारा है क्वार्ट 15 एम mm एम का इसके जस्ट नीचे हमारा ये आ जाता है चारकोल लूवर्स जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है डायमंड कट में इसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो इसमें बॉम वाइट लाइट आ जाती है हिडन इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये हाई ग्लॉस का है बेज कलर का जस्ट इसके ऊपर की हम बात करें तो ये आ जाता है मिनी बार काउंटर ये हमारा ग्लास प्रोफाइल डोर है ब्लैक कलर में और ब्लैक ही हमारा जो है प्रोफाइल ब्लैक ही ग्लास है जस्ट इसके साइड में हमारी आ जाती हैं दो हैंगिंग लाइट जो काफ़ी यूनिक लग रही हैं जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हमारी वुडन पैनलिंग है वुडन पैनलिंग के ऊपर जो हमने क्रिएट किए हैं वो लूवर क्रिएट किए हैं ऐसे ही अब हमारा आ जाता है ये लेफ्ट साइड में स्टोरेज इसके अंदर हमने इनबिल्ट फ्रिज दिया हुआ है इसके अपर साइड में आप देख रहे हैं ये हमने स्टोरेज दी है ये भी बेज कलर का ही लैमिनेट है और इस बेज कलर के साथ हमने ब्लैक कलर uh, के साथ गोल्डन कलर मर्ज करके जो है यहाँ पर ये हैंडल लगाए हुए हैं ये आ गया हमारा किचन का एरिया किचन में हमने जो वर्क किया है ये हमारा आ जाता है काउंटर टॉप काउंटर टॉप पे जो हमने यूज किया है ये क्वार्ट मार्बल का यूज किया है जस्ट इसके ऊपर आ जाता है हमारा एक मिनी स्टोरेज इसके अंदर हमने स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है मिनी स्टोरेज के अंदर इसमें हम छोटा मोटा कुछ भी अपना सामान यहाँ रख सकते हैं जस्ट इसके ऊपर आ जाता है मिडल पार्ट किचन का जो कि इसमें भी काफी अच्छा स्टोरेज निकल के आ रहा है इसके साथ हमने गोल्डन एंड ब्लैक के पैटर्न में हैंडल्स यूज किए हैं जस्ट इसके बगल में आता है ग्लास प्रोफाइल शटर जिसका कलर हमारा ब्लैक प्रोफाइल और ब्लैक ग्लास है इसके अंदर हमने लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है जस्ट इसके बीच में आ जाती है हमारी चिमनी सेक्शन 60 सेंटीमीटर की जस्ट uh, इसके बगल में जैसे कि अभी आपने देखा था इसका भी हमने ग्लास प्रोफाइल दिया हुआ है ब्लैक कलर का और ब्लैक ग्लास के साथ इसके अंदर भी लाइट्स हमने दी हुई है ये हमारी किचन की बैक फ्लैश टाइल्स है टेक्चर में फ्लावर्स में जो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी यूनिक पैटर्न है आज के हिसाब से जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ये हमारा आ जाता है नीचे का पार्ट काउंटर टॉप के नीचे का पार्ट इसमें हमने यहाँ पर वेजिटेबल वीकर बास्केट क्रिएट की है ये हमने बीपीओ क्रिएट किया यहाँ पर दो मिनी पीवीसी कटलरी क्रिएट की है। इसके जस्ट नीचे की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर जो है ग्रेन ट्रोली ये ब्लैक प्रोफाइल हमने क्रिएट की है ऐसे ही फिर हमारा एक बीपीओ यहाँ आ जाता है ये ऊपर का स्टोरेज आ जाता है हमारा ऊपर पूरा ही फुल्ली लॉफ्ट सेक्शन स्टोरेज है इसके साथ हमने जो किया हुआ है ये पूरा चारों तरफ से वुडन पैनलिंग करी है इसके साथ हमने हाई ग्लॉस का बेज कलर का माइका लगाया हुआ और माइका के साथ हमने प्रोफाइल लाइट क्रिएट की है और लाइट जो लगाई हमने वोम वाइट कलर की है और बीच में हमने एक सरफेस लाइट लगाई हुई है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक विंडो हुआ करते थे इस विंडो को हमने यहाँ से हटा करके वेट एरिया हम यूटिलिटी में ले गए तो हमने क्या किया है यहाँ पर विंडो हटा के पूरी वुडन की ये पैनलिंग दे दी है पैनलिंग करने के बाद हमने ये पूरी बेज कलर का माइका लगाया हुआ ये हमारा है वेट एरिया तो वेट एरिया में हमने क्या किया है यहाँ पर एक सिंक क्रिएट किया है ये सिंक हमारा साउंड प्रूफ है और ये हमारा अंडर सिंक आर का नल आ जाता है और ये हमारा पानी का आ जाता है जस्ट इसके ऊपर हमने जो किया हुआ है वो स्टोरेज बनाया हुआ है सिंक एरिया के जस्ट ऊपर ऐसे ही हमने यहाँ साइड में जो है बैकफ्लैश टाइल्स दिए हुए हैं ये पूरा जो अपना बालकनी है इसको हमने पूरा एल्यूमिनियम से पैक कर दिया है इसमें हमने ओप स्लाइडर जो है डोर दिए हुए हैं ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम मास्टर बेडरूम में हमने ये वुडन पैनलिंग की हुई है आउटर पे जो है डार्क कलर की और इस पे दोनों तरफ जो है लेमिनेट का यूज किया हुआ है आइए हम आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम मास्टर बेडरूम के एंट्री करते ही हमने ये राउंड में जो है ओपन शेल्फ दिए हुए हैं यहाँ पर हम अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं इस इसपे हमने जो यूज किया हुआ है वो हाई ग्लोस में बेज कलर का लेमिनेट यूज किया हुआ है अब आ जाता है हमारा ये अलमीरा तो अलमीरा जो हमने बनाई हुई है यहाँ पर ये स्लाइडिंग अलमीरा बनाई हुई है इसमें स्लाइडिंग अलमीरा में हमने प्लेन कलर के अंदर ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स डाली हुई है ऐसे ही हमने जो हैंडल यूज किया है यहाँ पर गोल्डन और ब्लैक का पैटर्न में यूज किए हुए हैं ये हमारी स्लाइडिंग अलमीरा है ऐसे ही ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा लॉफ्ट सेक्शन है तो इस पे भी हमने जो है सेम गोल्डन और ब्लैक कलर के हैंडल क्रिएट किए हैं यूज किए हैं यहां पर जो है अब हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम का टीवी पैनल तो टीवी पैनल हमने जो है नीचे की तरफ ये बेज और वुडन डार्क कलर का लेमिनेट यूज किया है यहाँ पर नीचे पूरा स्टोरेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ये चार को लोवर्स क्रिएट किया है ये हमने पूरा जो है स्लैब हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया है ये आ जाता है हमारा पैनल ये हमारा हाई ग्लोस में बेज कलर लगा हुआ है अब हमारा आ जाता है ये हॉरिजॉन्टल स्लैब इसमें हमने वुडन डार्क कलर की माइका यूज की गई है इसके बैक साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने चार कोल लूवर क्रिएट किया है एक ऐसे ही हमने पूरा हॉरिजॉन्टल स्लैब दिया हुआ है इसमें छोटी छोटी स्पॉट लाइट दी हुई है हमने यहाँ पर यह हमारा पूरा टीवी पैनल है मास्टर बेडरूम के अंदर अब आ जाता है हमारा ये बालकनी एरिया यहाँ पर था मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ हमने क्या किया है ये पूरा यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो था इसको यहाँ से हमने हटा के यहाँ पूरा पैनलिंग करके ये वुडन की इसमें हमने डार्क कलर का लेमिनेट यूज किया गया है और यहाँ पर एक हमने काफ़ी अच्छी स्टोरेज यहाँ पर निकाल दी है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सामान अपना आ जाता है तो ये हमने पूरा ही बेज कलर में बनाया हुआ है हाई ग्लॉस लेमिनेट जो हमारी कलर थीम चल रही है बेडरूम की ऐसे ही हमने ये हैंडल्स जो दिए हुए हैं गोल्डन और ब्लैक कलर के पैटर्न में दिए हुए हैं अब हमारा इसके ठीक सामने ये आ जाता है ड्रेसर ये एलईडी लाइट के साथ में ये पूरा हमारा ये ड्रेसर आ जाता है काफी लार्ज ग्लास है ड्रेसर का जो है इसके बैक में हमने ये चार को लोवर्स क्रिएट किए हैं यहाँ पर पैनलिंग करके अब हमारा यहाँ पर आ जाता है ये विंडो एसी इसके विंडो एसी के ऊपर भी हमने चार को लोवर क्रिएट किए हैं ये हमने पूरा ही ये कर्टन हमारे कलर के अकॉर्डिंग ये हमने पूरा यहाँ पर बेडरूम पैक कर दिया है एक तरीके से बेडरूम जो जो है जो है बालकनी अपनी वो बेडरूम के अंदर मर्ज कर दी हमने और इसके जस्ट नीचे हमने ये वर्टिकल यहाँ पर राफ्टर यहाँ पर फेब्रिक के दिए हुए हैं ये हमारी आ जाती है सिटिंग एरिया सिटिंग एरिया के साथ हमारा इसके स्टोरेज अंदर ये हमारे साइड स्टूल uh, आ जाते हैं हमारे ड्रोर इसमें जो हमने दिया हुआ है गोल्डन और ब्लैक का पैटर्न भी दिया हुआ है इसके अंदर हमने जो है ये हमारा पूरा बेडरूम बालकनी के साथ मर्ज हो जाता है अब ये आ जाता है हमारा बेड तो ये हमारा बेड का हेड बोर्ड है इस पर बोर्ड पर हमने कुलटिंग की हुई है ये फैब्रिक है स्वेट का जो है ये पूरा ही बेड यहाँ पर हमने क्रिएट किया हुआ है सेम सिमिलर माइका के पैटर्न में ही हमने फैब्रिक यूज किया गया है इसके बैक में हमारा आ जाता है चार को लूवर्स जो हमने इसके बैक में पूरी वॉल पे जो है क्रिएट किया गया है यहाँ पर जो ये हमारी अब हमारा आ जाता है ये पूरा फॉल सीलिंग एरिया बेडरूम के अंदर जो हमने साइड में जो है पूरा डायमंड कट में फॉल सीलिंग एरिया दिया हुआ है इसमें बीच में हमने कॉम्पेक्सर डायमंड कट जो है ना फॉल सीलिंग बीच में हमारा फैन आ जाता है ये हमारी डाउन लाइट और कोव लाइट के साथ फॉल सीलिंग एरिया काफी ये डिजाइन जो आज के हिसाब से चल रहा है ये यूनिक लगता है ये हमारा आ जाता है किड्स बेडरूम किड्स बेडरूम के डोर पे भी हमने सेम पैटर्न यूज Dakar, किया है अब हम आ जाते हैं किड्स बेडरूम के अंदर ये आ जाता है हमारा किड्स बेडरूम का वार्ड्रोब साइड में हमने ये ड्रेसर दी हुई है ड्रेसर के साथ हमने जो है पूरा नीचे की तरफ दो ड्रॉर दिए हुए हैं और ये साइड में हमारी आती है ब्लू एंड वाइट की थीम में पूरी वार्ड्रोब डायमंड कट में ये हमारी आती है ब्लैक पैटर्न में जो है स्ट्रिप्स ये पूरा स्लाइडर वार्ड्रोब है ये हमारा पूरा लॉफ्ट सेक्शन है सेम पैटर्न हमने लॉफ्ट सेक्शन में उठाया हुआ स्टील के एस एस के हमने हैंडल्स लगाए हुए हैं अब हमारा आगे हमारा ब्लू एंड वाइट के साथ में हमारा थीम आ जाता है कर्टन का ये हमारे कर्टन है यहाँ पर अब हम आ जाते हैं ये हमारा है फॉल सीलिंग एरिया फॉल सीलिंग एरिया में हमने क्या किया है ये आ, साइड पैनल फॉल सीलिंग बनाई हुई है इसके बीच में हमने डायमंड कट के एक डिजाइन बनाया हुआ है अब हम आ जाते हैं अपना स्टडी की तरफ तो ये हमने स्टडी क्रिएट की है नीचे यहाँ पर दो ड्रॉर दिए हुए हैं ऐसे फिनिश में दो हैंडल्स लगाए हुए हैं इसमें हमने दो कलर यूज किए हैं वाइट और ब्लू का इसके ऊपर हम आ जाते हैं इसके ऊपर की अगर बात करें तो ये हमारा बुक शेल्फ स्टोरेज एरिया है इसमें भी हमने डायमंड कट में ग्लास पैटर्न डाले हुए हैं ट्रांसपेरेंट अब इसके जस्ट अपोजिट हमने वॉल दिया हुआ है ये हमारा वॉल है ये हमारा बेड है क्वीन साइज इस बेड में भी हमने जो है ना सेम पैटर्न यूज किया है ब्लू कलर का ये हमारा हेडबोर्ड है ये भी ब्लू पैटर्न में ही है और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है पूरा ही सेम पैटर्न में ब्लू में जो है फैब्रिक दिया हुआ है ऐसे ही सेम जैसे इधर हमने स्टडी दी है लेफ्ट साइड में भी हमने वहां पर एक साइड टेबल दी है सेम उसी के पैटर्न में दिखाने के लिए तो ये हमारा किड्स बेडरूम है ये हमारी मैम है फ्लैट ओनर जो आप देख रहे हैं बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी मैम बताएंगी हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे हमने इनको सारी चीज़ें फुलफिल करके दी मेरा भैया के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मैंने जब ये वाला फ्लैट खरीदा था तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कहाँ से काम कराएं इंटीरियर चाहिए कैसे कराएं सोसाइटी में भी बहुत लोगों से पूछा अपने टावर में बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी फिर इनका भी कांटेक्ट मिला इनकी यूट्यूब की वीडियो देखी बहुत अच्छा समझ में आया भैया से कांटेक्ट किया तो भैया ने कहा कि ऑनगोइंग कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप एक बार आके देख लीजिए इनके प्रोजेक्ट देखे तो बहुत ऐसे आइडियाज़ आए जो लगा कि वाकई में घर में किए जा सकते और समझ में आए इसके साथ साथ इनसे पहले मैं किसी और का भी बुकिंग कर चुकी थी तो मैंने वो अमाउंट भी छोड़ दिया क्योंकि इनका काम इतना ज़्यादा समझ में आ गया कि मैंने फिर सोचा ही नहीं कि किसी और से कराना है फिर जब भैया से पूरी बात हुई तो एक तो मेरे बजट में था दूसरा काम बहुत अच्छा था जो मैंने देखा फिर इनका काम जब स्टार्ट कराया तो सबसे बढ़िया बात है कि जैसा चाह था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा बन के मिला है घर में रहने में मज़ा आता है कहते हैं ना कि घर बनाता है कोई इंसान अपने लिए तो कहते हैं एक सपनों का महल या एक शहर में घर अपने लिए बनाना तो घर में जब आते हैं ना तो घर जैसी फीलिंग आती है इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर में एक एक चीज के साथ एक एक जगह पे ऐसा लगता है कि एक मन जो मन का ना कुछ इच्छा होती है वो पूरी हो गई है तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ भैया कि इन्होंने इतना अच्छा मुझे काम करके दिया है मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव कभी भी कोई भी आया उन्होंने आज तक ऐसा इंटीरियर कहीं नहीं देखा इवन इस सोसाइटी के किसी फ्लैट में मैंने भी नहीं देखा जितना इनका काम है वो इतना काम अच्छा है किस तरीके से जैसे मैंने जब ये घर लिया था तो मुझे ऐसा लगता था बहुत छोटा एरिया ये इसमें कैसे एडजस्टमेंट होगा बट इंटीरियर के बाद अगर मैं एरिया देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे ये देखने में तो बहुत छोटा था लेकिन निकल के बहुत अच्छा आया पर मैं बहुत थैंकफुल भैया कि आपने बहुत अच्छा काम किया थैंक यू थैंक यू थैंक यू